गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटरा। तो आज है सेकंड डे हमारा जम्मू का। तो अब टाइम हो रहा है 12 और अब हम यहाँ से होटल चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं कटरा मार्केट। वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपको आगे का दिखाएंगे। और यहाँ से फिर हम शाम के टाइम पे हम लोग निकलेंगे जम्मू, और जम्मू में भी आपको वहाँ का जो मार्केट है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और लास्ट ब्लॉग भी मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, पीछे जो है वाइट जो मंदिर है ये अर्धकुंवारी का है। तो यहाँ से अब तो आप भी अब यहाँ के माता के दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको। ये है कटरा और सामने की साइड में है यहाँ पे बस स्टैंड, और इस साइड से यात्रा शुरू होती है। और अब हम लोग यहाँ पे मार्केट में आ चुके हैं, देखते हैं मार्केट में क्या क्या यहाँ पे। यहाँ की मार्केट पूरी अभी टूटी फूटी पड़ी हुई है, रोड मार्केट तो सही है। वुलन के क्लोथ्स, जैकेट्स और प्रसाद, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, इयररिंग्स, लड़कियों की ज्वेलरीज, गर्ल्स की ज्वेलरीज, खिलौने और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगा यहाँ पे मार्केट में। मार्केट काफ़ी अच्छी है। हाँ, तो ये है कटरा वाली रोड जो मेन सर्कल है, और यहाँ से हम लोग एंटर आएंगे तो ये रोड पड़ेगी, और इसके साथ में ये पूरी लोकल मार्केट है जो कि काफ़ी अच्छा फूड है यहाँ का। हम लोगों ने सब अपना टेस्ट कर लिया, वर्षा अभी तक टी पी रही है, इसके सेकंड टी है ये, और काफ़ी अच्छा फूड है यहाँ पे। अगर आप स्ट्रीट फूड लवर है तो आप यहाँ पे एक बार आकर ट्राई कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी हैं यहाँ की। क्योंकि ये लोकल मार्केट है और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, फास्ट फूड भी है, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, राजमा थाली और परोठे भी हैं। हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वर्षा और मैं खा रहे हैं यहाँ पे, और ये एक और मंगाया है दो चाय, बिकॉज वी आर टी लवर। आदि ने स्प्रिंग रोल खा चुका है, हाँ, और आलू के परोठे भी खाए हैं इसने। बस यहाँ से कुछ खा रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा लोकल मार्केट है और काफ़ी बढ़िया फूड्स हैं, चीप और बेस्ट, स्ट्रीट फूड इज़ द बेस्ट, थैंक यू। तो ये जो आगे चल रही है, ये चल रही है वर्षा, इसने करी है बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारी मसाला शॉपिंग इसने करे है, घर के मसालों की शॉपिंग जो कि यहाँ के काफी फेमस है। तो जिसने घर की शॉपिंग करी है वही घर का सामान करके उठा के लेकर जा रही है। होटल अपना आगे, तो वहाँ चलते हैं अभी। तो अब हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं, जय माता दी होटल राजश्री, जय माता दी। और हमने टैक्सी बुलाई है जम्मू के लिए, क्योंकि हमारी जो कल की ट्रेन है वो जम्मू के लिए है, और लगेज हमारा सारा इसमें आ चुका है, और बाकी के सारे जो है वो वहीं पर मार्केट में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो हम लोगों ने सारा लोड करवा दिया है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, उन लोगों को पिक करेंगे, देन हम लोग फिर जम्मू चलते हैं और जम्मू की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। और आदि जो है वो अपने चैनल के लिए व्लॉगिंग कर रहा है। तो आपसे मिलते हैं जम्मू में? नहीं, जम्मू में नहीं मिलेंगे आपको, रास्ते का भी हम लोग व्यू दिखाएंगे। आ गए हैं, इशू रनिंग कर रही है, ये सारे लेट कमर्स हैं, लेट कमर्स। मेरी बहन ने भी बहुत सारी शॉपिंग करी है, ये आ रही है दीपा दी लीची के साथ, मोनिका दी अभी तक नहीं आई है। मोनिका दी कहाँ है? अच्छा, मोनिका दी ने भी फुल शॉपिंग करी है, फुल शॉपिंग। जय हो भैरव बाबा की, वो साचे दरबार की जय, बोल माँ कालका की जय। अब हम लोग कटरा से निकल चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग जम्मू के साइड में, और जो हमारे ड्राइवर अंकल हैं उन्होंने हमें बताया था कि जम्मू जाने के रास्ते में एक जगह पड़ती है नगरकोटा, वहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी के प्रथम दर्शन होते हैं, जो कि वहाँ के उनके बाल रूप के दर्शन हैं। तो अब हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं,
उस मंदिर का जो नाम है वो है कोल कंडोली मंदिर के नाम से फेमस है, और काफ़ी लोगों को उस मंदिर के बारे में नहीं पता, हमें भी नहीं पता था उस मंदिर के बारे में, तो अंकल ने हमने बताया था कि मंदिर में आपको वहाँ पे जाना चाहिए, तो इस वजह से अब हम लोग पहले वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग जम्मू जाएंगे। जम्मू में एक मंदिर और है जो कि है रघुनाथ मंदिर, जो कि जम्मू का काफ़ी पुराना मंदिर है, तो वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे। तो ये यहाँ की काफ़ी बड़ी टनल है जो कि 2-3 पड़ी है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बस आगे पहुँचने वाले हैं। तो आपको मैं आगे मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। और जय माता दी आप सभी को। होप सो आपको मेरा पहले वाला व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस व्लॉग पे भी आप लोग काफ़ी सपोर्ट कीजिएगा। जय माता दी सभी भक्तों को। यहाँ पे हमने बीच में अपनी गाड़ी पार्क करी है, और जम्मू के बीच में एक रास्ता पड़ता है जो कि ये माता का मंदिर है। इस यहाँ के मंदिर की मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, तो पहले अभी आगे चलता हूँ, आगे चल के आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। अंदर ये पिंडी रूप में माता यहाँ पे विराजमान है, तो आप सभी लोग माता के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेन मंदिर है माँ वैष्णो देवी के बाल रूप का, जो कि यहाँ से पता चला है। और ये यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं, और काफ़ी सुंदर मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ पे हमें भी नहीं पता था इस मंदिर के बारे में, तो जो हमारे जो इसमें हमने जो टैक्सी करी थी, तो उन्होंने अंकल ने बताया था कि यहाँ पे एक मंदिर है और कोल कंडोली मंदिर के नाम से ये जाना जाता है, ये सामने राम दरबार है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर फिर आ गए, और आप लोगों को भी इस मंदिर के बारे में एक छोटी सी जानकारी अपने थ्रू आपको दी। तो फाइनली अब हम लोग जम्मू आ चुके हैं, और जम्मू में हम लोगों ने ये होटल लिया है, तो ये रूम है जम्मू में। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मार्केट की तरफ, तो मार्केट थोड़ी एक्सप्लोर करते हैं, जम्मू मार्केट जो कि रघुनाथ मंदिर के पास की जो हमने होटल लिया वहाँ की है, तो आपको दिखाते हैं। आज भी इधर ही रहेंगे और कल भी यहीं रहेंगे, और कल हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए, तो आपको मैं आगे का सीन दिखाता हूँ मार्केट में चल के। ये रात के टाइम का जम्मू का कुछ नज़ारा है मार्केट का, रघुनाथ मंदिर के पास का, और पूरा पूरा यहाँ पे फॉग हो चुका है, और ठंड यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है जम्मू में। तो हो सकता है कि अब कटरा में भी ठंड बढ़ गई हो, क्योंकि जम्मू में अब काफ़ी ठंड है, कल ठंड नहीं थी जम्मू में। जी रात में मैंने बताया था कि हम लोग होटल में आ चुके थे, और थोड़ा बहुत तो बाहर मार्केट के लिए गए थे, और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पे। तो कटरा में भी माता वैष्णो देवी में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी हुई, क्योंकि जम्मू में यहाँ पर भी बता रहे थे कि आज पहली बार यहाँ पर मतलब फॉग इतना ज़्यादा हुआ है, और कल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि कटरा में मतलब और माता वैष्णो देवी पे इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन कल काफ़ी ठंड थी। और यहाँ पे हम लोग रेडी हैं, लगेज हमारा पैक है, ये राधी, और यहाँ से बस अब नीचे जा रहे हैं होटल में ही, लॉकर रूम में हम लोग लगेज अपना रख देंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग मार्केट चलेंगे जम्मू मार्केट, तो वो आपको अब आगे का दिखाते हैं, क्योंकि रात में काफ़ी दुकानें बंद हो गई थी। तो ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल रहे हैं, और फिर आपको आगे का मार्केट का सारा कुछ दिखाएंगे। तो ये है अपना होटल, होटल माँ रेसिडेंसी, काफ़ी बड़ी होटल है, हर बार हम इसी होटल में आके रुकते हैं। और यहाँ पे जो पूरी मार्केट है ये क्या नाम है, ब्लैंकेट मार्केट है, और काफ़ी सस्ते सस्ते यहाँ पे ब्लैंकेट मिलते हैं, और काफ़ी सारे होटल्स हैं यहाँ पे। ये सारे नीचे अभी बातें कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कुछ खा पी के मार्केट की तरफ। और यहाँ पे एक फेमस मंदिर है जो है रघुनाथ मंदिर, तो यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे अगर वो अभी ओपन होता है, अदरवाइज़ देखते हैं फिर शाम में का मौका मिलता है तो फिर हम शाम में जाएंगे। तो ये है रघुनाथ मंदिर जो कि जम्मू का काफ़ी फेमस मंदिर है, और यहाँ पे है इस मंदिर की मेन एंट्रेंस, तो अभी अंदर चलते हैं हम लोग।
तो ये वाला मेन टेंपल है जिसके अंदर तीन मूर्ति हैं भगवान जी की, एक है राम जी की, दूसरी लक्ष्मण जी की और तीसरी सीता मैया की। और यहाँ का ये परिक्रमा मार्ग है जिसमें ये है हनुमान जी और फिर है हनुमान जी। सुग्रीव जी, भरत जी, विभीषण जी, तो ये पूरा इन्होंने जो परिक्रमा लगा रखा है तो उसमें सब भगवानों की, हाँ, राम परिवार बोल सकते हैं। श्री लक्ष्मण जी, श्री अंगद जी, ये श्री ब्रह्मा जी के चार धाम है अंदर, तो अंदर चलते हैं मंदिर के। फिर आइए अगस्त मुनि जी, श्री विश्वामित्र जी, श्री गौतम जी, भारद्वाज जी। यह है माता वैष्णो देवी का मंदिर। श्री शंख देव जी, श्री चक्रदेव जी, श्री पदम देव जी, श्री गदादेव जी, तो ऐसे ही काफ़ी सारे भगवानों के यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं और काफ़ी अच्छा मंदिर है। आप अगर जम्मू के साइड आओगे तो रघुनाथ मंदिर में विजिट ज़रूर करना, ये मेन मंदिर है रघुनाथ भगवान जी का और काफ़ी अच्छा मंदिर है। ये है राम लड्डू, पनीर और पालक, प्याज और पालक के परोठे, और ये क्या आलू के, ये आलू के हैं, ये आलू के परोठे हैं। और मैंने अभी इनके लिए साथ में फॉर स्पेशल डिमांड मूली मंगवाई है कद्दूकस करवा के। अब हम सारे दर्शन करके आ गए हैं मंदिर के। तो ये है बनिया सुपर मार्केट और ये जम्मू मार्केट में ही है, और अगर आप आते हो जम्मू तो यहाँ पे इस मार्केट में आप ज़रूर आना। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी आपको एक ही शॉप में मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें इन्होंने यहाँ पे अंदर रखी हुई हैं, तो यहाँ पे आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। हम आए हैं स्पोर्ट्स की दुकान पे, यहाँ से सौरभ ने ये बेसबॉल का बल्ला लिया है अपनी कार में रखने के लिए, लोगों को मारने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं बाकी सबसे मिलने के लिए। और जो ये वाला बैट है हमें चाहिए था ये, देखा अभी भी ये मार रहे हैं, मारेंगे बच्चों को मारने के लिए। चलो यहाँ पे एक ढाबा है होटल सुमित पैलेस के नीचे, यहाँ से हमने फ्राइड राइस पैक करवा लिए, श्री कृष्णा ढाबा, यहाँ से फ्राइड राइस पैक करा लिए। ये हमारा ऑटो, यहाँ पे मैं, वर्षा और आदि जा रहे हैं और वो लोग सारे निकल गए हैं जो स्टेशन पे वेट करेंगे हमारा, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, हमारी दिल्ली की अभी ट्रेन है तो अब स्टेशन जा रहे हैं। तो होप्स आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय माता दी सभी को।